डीडीएल जी के बाबूजी सबको याद होंगे, उन्होंने एक बार सिमरन का स्वयंवर कराया था। तो सबसे पहले एक एक करके सारे कैंडिडेट आते हैं सिमरन का हाथ मांगने। सबसे पहले आगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देखिए सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सलाम साहब, मेरे को सिमरन का हाथ मांगता है, माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है, मैं मौत को तक से वापस आ सकता है, अभी मेरे को सिमरन का हाथ दे दो ना साहब, माँ कसम बाप का, दादा का, भाई का, सबका प्यार देगा रे बाबा, कभी कभी तो लगता साला माइच भगवान है। अच्छा ये जाते हैं पीछे से कालीन भैया आते, पंकज त्रिपाठी जी आते, अब देखिए पंकज त्रिपाठी जी, मैं पहले दिन से कह रहा था, देखिए बाबूजी दिल से एक बात कहना चाहते हैं, भाई सिमरन को बहुत पसंद करते हैं, भाई ऐसी सुशील सुंदर सुसज्जित महिला हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हमारा जीवन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, भाई प्यार से समझा रहे, समझ जाइए बदना आदमी हम, बहुत खतरनाक है बाबूजी। ये गए पीछे से अजय देवगन साहब आते हैं और आते ही बोलते हैं, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, हमें तो अपनों ने झूठा, गैरों में कदम था, मेरी किश्ती डूबी थी भा, जिसके दाने दाने में केसर का दम था। ये जाते हैं पीछे से नाना पाटेकर साहब आते हैं, ए सिमरन कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या है, अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या है, तू गीत है, प्रीत है, गुरमीत है, परमीत है, मनप्रीत है, अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या है, अरे क्या है मोहब्बत, नमक अजमाई लहसुन धनिया पुदीना, ना सोता ना जागता बस एक ही गाना गाता, तुझे देखा तो ये जाना सनम, अरे क्या खाक जाना कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ये जाते हैं पीछे से अमिताभ बच्चन साहब आते हैं, देखिए कैसे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नवे शंशाई, देखिए भाई साहब मैं यहाँ से निकल रहा था तो सुना यहाँ पर स्वयंवर वगैरह चल रहा था, तो मैंने सोचा जो आए यहाँ पर चक्कर लगा दिया जाए, आए आए आओ, देखिए बाबूजी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर न पाती, ये सादा हो भी सकती थी, बाबूजी आप स्वीकार कर लीजिए, आए आ। अच्छा ये जाते पीछे से ऋतिक रोशन साहब आते हैं, अब ऋतिक रोशन साहब कैसे अपनी स्टाइल में आते हैं, देखिए ऋतिक रोशन, Hello, Lily. How doing? Just fantastic. Thank you so much. All right, this is Ritik Roshan here. And well, first of all, thank you so much ki aapne mujhe yahan bulaya. Thank you so much. Bahut hi kamal ki baat. It's nice and it's fantastic. Fantastic. Ye jaate piche se Irfan Khan sahab aate, aate hi bolte. Kya ye? Beta pehchante ho na humko? Beta ek baar jaan lo, dimag mein batti bana ke dal lo. इतने बैठेगी अदालत, इतना होगा फैसला, कहो आ, अबे कहो आ, अबे काम करो, सस्ती वाली सिस्का एलईडी लगाओ, कम दाम में ज़्यादा का फ़ायदा, सस्ते हो ना, हाँ। ये जाते पीछे से अजीत साहब आते हैं, अब अजीत साहब अपने स्टाइल में, देखिए वेरी स्मार्ट रॉबर्ट, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो खुद गरीबों का दोस्त, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ, पानी के बिना मछलियाँ कैसे तड़प रही, बड़ी बड़ी बातें करना मुझे बहुत आता है, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं, सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है, जो कि जंगल में सिर्फ एक हुआ करता है, स्मार्ट वॉइस। ओम प्रकाश जी आते हैं, ए बाबा बाबा खुदार, मैं सिर्फ ये कह के जाऊंगा वाह वाह वाह, अरे भागवंती से छुपकर सिमरन को प्रपोज करने आया हूँ, अगर सिमरन नहीं मिली तो मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, गिर जाऊंगा भैया। ये जाते हैं पीछे से पाकिस्तान के इमरान खान आते हैं, अब वो अपनी स्टाइल में देखिए कैसे आते हैं, देखिए जी सबसे पहले तो आपने सिमरन को प्रपोज करना जी, आपने घबराना नहीं है, आपने एक बात समझने ने, देखिए जी ये जाते पीछे से राहुल गांधी जी आते हैं, राहुल गांधी जी देखिए 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 भैया देखिए, अब एक इमोशनल बात कहना चाहूँगा आप सबको, एक बात कहना चाहूँगा, अब आप महिला कार्यकर्ताओं से पूछिए, अब आप युवा नेताओं से पूछिए, सब कहेंगे भाई मज़ा आ गया, और ये मज़ा मैं देश के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, देखिए भैया देखिए, ये गए पीछे से सुनील शेट्टी साहब आते बोलते, अरे बाबू भैया मैं सिमरन को भूल जाऊँ या होने सकता है, सिमरन मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने दूंगा। अब क्या हुआ, बाबूजी ने सोचा सिमरन का हाथ किसी के हाथ में नहीं देंगे, तो स्विमिंग पूल एरिया में नसरुद्दीन शाह किसी पे भड़क गए, नसरुद्दीन शाह, भाई राठौर साहब भाई इस तरह सिमरन का हाथ हमारे हाथ में दे देना गुनाह है, पाप है,
गुनाह है भाई, पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। पीछे से राजपाल याद आ रहा है, अरे भैया भैया हम तो पहले ही कह रहे थे कि सिमरन को प्रपोज करने हम सब आए थे भैया, तुम लोग कहाँ से आ गए। अरे भैया हम तो कह रहे थे ना, समझते नहीं हो बात को। ये जाते हैं पीछे से बाबा आते, बाबू यानी संजू बाबा। अब संजू बाबा, अरे कैसे आप सब, बहुत बढ़िया। अरे बाबू इसको बोलते हैं 50 तोला। अरे मैं सिर्फ ये बोलता हूँ बाबा, सिमरन को मेरे को मांगता है क्या? अगर सिमरन नहीं मिली तो मेरे को तेरे को ठोक डालेगा क्या? अब क्या हुआ ना, ऋतिक रोशन सबसे ज़्यादा परेशान थे। ऋतिक रोशन रोने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सिमरन का हाथ क्यों नहीं दिया। ऋतिक रोशन रोने का अलग स्टाइल है। देखिए ऋतिक रोशन हेलो जैसा करते हैं, फाइन। फरहान अख्तर उन्हें समझा, अबे तू तो क्या हो गया यार, अबे समझता नहीं है बात को, कुछ अटक तो नहीं गया। आइए देखिए ऋतिक रो रहा है। यू नो व्हाट, मैंने सब कुछ किया, मैंने गाना भी किया, मैं डांस भी किया, इट्स जस्ट फॉर थिंकिंग आप जीत जाओगे, इट नॉट पॉसिबल। आई आप जीत नहीं सकते, जीत मेरी है। ऑलराइट यू नो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक डांस भी कर सकता हूँ, गाना भी कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता, मैं ऐसा ही थोड़ी आए हैं। बगल में पंकज त्रिपाठी जी उन्हें आखिरी में जाते जाते समझा, पंकज त्रिपाठी पहले पंकज त्रिपाठी बन गए, बाद में कालीन भैया बन के आ गए। पंकज त्रिपाठी जी, देखिए भाई ऋतिक भाई, ऐसी बातों से घबराया नहीं करते हैं। मुन्ना मकबूल भाई ऐसा करो, हमारे लिए कॉफ़ी की व्यवस्था करो भाई, हम तुमको गारंटी देते। देखो ऋतिक भाई, बाबू जी मान नहीं रहे, ऐसा करो साइड में ले जाके उनके दोनों घुटनों में तेल लगाओ भैया, एक काम करो। और भाई आप सबसे कहना चाहते हैं, यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है, आप सबने यहाँ बुलाया भाई, उम्मीद करते हैं आते रहेंगे। मुन्ना मकबूल भाई, हमारा एक्ट ख़त्म होने का टाइम आ गया, हैप्पी एंडिंग तो ऐसे ही करेंगे भाई। आप सबके बीच आकर लगता है हमारा जीवन बिल्कुल शुद्ध हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।